हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज मैं आप लोग के साथ बात करूंगा। अभी हम लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पीजीटी और टीजीटी की काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाली हैं और उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और जिसके फॉर्म 9 जून से भरना स्टार्ट हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट है 9 जुलाई। उसके ऊपर मैं एक पूरी डिटेल्ड वीडियो डाल चुका हूँ, 2-3 वीडियो मैंने काफ़ी डाली हैं उसके ऊपर। आज मैं बात करूँगा कि अब हम किस तरीके से तैयारी शुरू करें, क्योंकि अब जब ये फॉर्म भरे जा रहे हैं 9 जुलाई इसका जब लास्ट डेट है, तो उसके बाद भी कम से कम हम ये मान के चलें कि 3 से 4 महीने तो हम मान के चलें कि इससे कम टाइम में पीजीटी का तो एग्ज़ाम नहीं होने का, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। हमेशा से देखा गया है कि जब एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है उसके कम से कम 3 से 4 महीने के बाद इसका एग्ज़ाम होता है। काफ़ी प्रोसेस लेट चलता है पीजीटी का, तो अगर हम मान के चलें हमारे पास 3 से 4 महीने का टाइम है और अगर हम इस फॉर्म भरने के टाइम को भी मान लें तो टोटल 5 महीने मिनिमम मान के चलें कि 5 महीने तो हमारे पास है ही है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 4 से 5 महीने का हमारे पास टाइम है। अब हम पीजीटी या टीजीटी जिसके लिए भी हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी हम तैयारी कैसे करें। सब्जेक्ट आपका कोई सा भी हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स से हो, चाहे आप ज्योग्राफी से हो, चाहे आप हिस्ट्री से हो, पॉलिटिकल साइंस से हो, सिविक्स या जो भी सब्जेक्ट से आप देते हो, कॉमर्स है या जो भी आप इंग्लिश है या जो भी लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, हिंदी संस्कृत वगैरह वगैरह, तो अब जो लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो उन्हें तो पता है कि भाई हम किस बुक से पढ़ें या किस बुक से पढ़ने से हमारा सिलेक्शन होगा या कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग बिल्कुल न्यू कमर हैं, तो उनके बहुत सवाल मेरे पास आते हैं चैनल पे। लोग पूछते हैं कि सर हम कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी किताब को कंसल्ट करें जिससे कि हमारा पीजीटी या टीजीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो आज मैं उसी टॉपिक पर बात करूँगा कि देखिए पीजीटी का जो एग्ज़ाम है, मैंने भी दिया है और मैंने इस चीज़ को एनालाइज किया कि ऑलमोस्ट पीजीटी का जो तैयारी है वो नेट के लेवल की ही तैयारी होती है, क्योंकि हम लोग ये सोच के पीजीटी के एग्जाम को हल्के में ले लेते हैं कि भाई ये तो एक इंटर कॉलेज में पढ़ाने के लिए, एक प्रवक्ता के लिए जॉब है तो इसका लेवल भी वही होगा जो एक 12th का सिलेबस होता है। ऐसा नहीं, आपने जो पीजी में पढ़ा है उससे भी ऊपर के लेवल का पेपर रहता है। और अमूमन तौर पर देखा होगा जो लोग नेट की तैयारी कर रहे होते हैं या जिनकी नेट की तैयारी अच्छी होती है या जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है और काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो वही लोग जो है पीजीटी को क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस भी सेम रहता है और क्वेश्चन जो है अमूमन तौर पे आसपास ही रहते हैं। नेट से तो थोड़े से हल्के होते हैं लेकिन तैयारी वही काम आती है जो आपने नेट में की है। तो अब ये ध्यान रखिए कि जिन किताबों से नेट की तैयारी हो सकती है या जो नेट के लिए मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, आप कोशिश करिए उन किताबों को पढ़ने की, ठीक है? तो जिससे आपका नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई हो सकता है और आप उसे पीजीटी भी क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी कि आपकी एक ही तैयारी से आप 2 एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आप नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई कर सकते हैं और आप पीजीटी टीजीटी का एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं, यानी कि एक ही तैयारी, यानी एक ही बुक से, एक ही कंटेंट से, क्योंकि कंटेंट अलग नहीं है, सिलेबस भी वही है ऑलमोस्ट, तो आप उसी तैयारी से नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई कर सकते हैं और उसी तैयारी से आप जो आने वाला पीजीटी का जो एग्जाम होगा, जिसमें पीजीटी 2022 जो कि अभी नोटिफिकेशन आया टीजीटी पीजीटी का, उसे भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो कोशिश करिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अच्छे ऑथर्स की जो नेट की किताबें हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, जो भी ऑथर्स निकाल रहे हैं या जो भी पब्लिशर्स निकाल रहे हैं, तो उनके 2-3 वेरिएंट, एक किताब नहीं, कम से कम 2-3 वेरिएंट, 2-3 अलग अलग तरीके की किताबें आप देखिए, कंसल्ट करिए और देखिए उनमें से कंटेंट किसमें ज्यादा दे रखा है, क्वेश्चंस किसमें ज्यादा अच्छे दे रखे हैं, आप वो किताब परचेस कीजिए और उससे आप अपनी तैयारी शुरू करिए। उसके बाद जो पीजीटी के पुराने पेपर्स हैं, हमेशा याद रखिए सॉल्ट पेपर जरूर लगाइएगा, जो पुराने आए हुए पेपर्स हैं वो जरूर लगाइए क्योंकि क्वेश्चंस काफी रिपीट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर आप सॉल्ट पेपर लगाइए जो कि मार्केट में सॉल्ट पेपर अवेलेबल होते हैं। तो ये 3 चीजें आप कर ली, एक तो नेट की बुक खरीदिए अच्छे राइटर की, वो खत्म कीजिए तो कम से कम 2 से 3 बार, और उसके बाद जो इसके पुराने पेपर्स आए हुए हैं वो देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, और उसके बाद जो सॉल्ट पेपर आते हैं, ठीक है, अनसॉल्व पेपर जो आप सॉल्व करिए, जो कि उसको आप सॉल्व करके लगाइए, तो इससे क्या होगा आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो एक दायरा है, जो कंटेंट है, वो काफी बढ़ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी जो है क्वेश्चंस की एग्जामिनेशन में आने की संभावना बढ़ जाएगी और आप आसानी से उसे कर पाएंगे। थोड़ा सा टफ जरूर है ये प्रोसेस, क्योंकि उसमें आपको 4 से 5 बार पढ़ना रहेगा, ऐसी बात है, इतना बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करना है, पीजीटी हो गया या नेट हो गया, उसमें पढ़ना तो पड़ता ही है, लेकिन अगर आपने ये तरीका अपनाया तो आपके एक ही तैयारी से दोनों एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे। और ज्यादातर देखिएगा जितने भी लोग क्वालिफाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका नेट ऑलरेडी क्वालिफाई हुआ होता है या उसके साथ साथ वो नेट भी क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उनका भी एक्सपीरियंस ये रहता है कि वो नेट की तैयारी करते हैं, नेट की किताबों से पढ़ते हैं और उन्हीं तैयारी से वो पीजीटी भी क्वालिफाई या टीजीटी भी क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है? तो ये एक मैंने आप लोगों के लिए गाइडेंस के तौर पर एक चीज बताई कि सब्जेक्ट आपका कोई भी हो,
आप उससे नेट की किताबों से पढ़िए, नेट के लेवल की बुक से पढ़िए, एक पंथ दो काज, एक तीर से दो शिकार, यानी कि एक ही स्टडी से आपकी दो चीजें पूरी हो जाएंगी। उससे वो आपका नेट भी क्वालिफाई होगा और साथ ही साथ आपका पीजीटी टीजीटी का एग्जाम भी कम समय में और मिनिमम अटैम्प्ट में, यानी कि आप ये नहीं कि कई बार अटैम्प्ट दे रहे हैं, आपका हो सकता है एक से दो अटैम्प्ट में आपका क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक सही रणनीति, एक सही स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। हम लोग कई बार क्या करते हैं, हम लोग ट्रायल एंड एरर वाला तरीका अपनाते हैं कि एक बार दे लिया, दो बार दे लिया, तीन बार दे लिया, फिर चार पांच बार देने के बाद हम समझ में आता है अच्छा अगर हमें इस किताब से पढ़ते हैं तो हमारा कलेक्शन हो जाता है। तो वही चीज अगर हम पहले से अप्लाई करें और एक सही रणनीति, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक सही स्ट्रेटेजी है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने की, खासतौर पर आज चूंकि मैं बात कर रहा हूं पीजीटी की, तो उसके लिए ये रणनीति अपनाइएगा। उम्मीद करिएगा, देखिएगा, आपको जो मैं चीज बता रहा हूँ 100 में से कम से कम नहीं, कम से कम 95% आपको जो है सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में करने को दिखेंगे। ठीक है, तो ये एक आप स्ट्रेटेजी अपनाइए। मैंने भी स्ट्रेटेजी अपनाई, मैंने देखा जब मैंने पहली बार, हालांकि मैंने एक ही बार जब पीजीटी का एग्जाम दिया, मैं ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड हूँ, जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, जब मैंने पीजीटी का एग्जाम दिया, क्योंकि वो सब्जेक्ट जिसमें मैं पीजीटी दे रहा हूँ वो मेरे नेट का नहीं था, तो मैंने नेट के ही मतलब उस सब्जेक्ट जिसमें मैं पीजीटी का एग्जाम देता हूँ उसमें मैंने नेट की एक किताब खरीदी, तो मैंने पाया कि उसमें क्वेश्चंस जो थे वो ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस हैं जो कि पुराने पीजीटी के पेपर्स में आए हुए हैं। तो मैंने ये पाया कि नेट की किताबों में भी वही क्वेश्चंस देखे जो पीजीटी के एग्जाम, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत सिमिलैरिटी है नेट के पेपर में और पीजीटी में। थोड़ा सा पेपर का लेवल जरूर ऊपर नीचे हो सकता है, बट कंटेंट आपको वही मिलेगा, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस की सिमिलैरिटी और रिपीटेशन भी वही मिलेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी अपनाइए, उम्मीद करता हूं आपको ये स्ट्रेटेजी जरूर पसंद आएगी और इससे आपको फायदा भी बहुत पहुंचेगा। ठीक है, तो इसको जरूर अपनाइएगा और मेरी जो भी सलाह है, जो भी गाइडेंस है, उसको आप यूज करिए, देखिए जरूर आपको फायदा होगा। और मेरे साथ बने रहिए, जरूर मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने ग्रुप्स के साथ। और किसी भी तरीके की काउंसलिंग के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। यस, उसके लिए एक मैंने एक छोटी सी प्रिस्क्राइब फीस जरूर रखी है, क्योंकि उससे ये होगा कि जो सीरियस लोग हैं वही मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे, और उस प्रिस्क्राइब फी को पे करने के बाद उसमें पूरा प्रोसेस दे रखा है, उसके पे करने के बाद आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपको फिजिकली कॉल बैक भी करूंगा, कॉल बैक के थ्रू पूरी आपको जितना भी टाइम 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जो भी मैं आपके सवाल हैं, जो भी काउंसलिंग है, वो मैं आपके पूरी तरीके से आपको सेटिस्फाई करूंगा। दैट्स माई ड्यूटी, राइट। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करिए काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।